जम्मू कश्मीर के मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले कई महीने से अपने कोरोना वायरस के संबंधित समाचार देख रहे हैं और सुन रहे हैं। इस कोरोना वायरस से बचने के लिए आपने कई कदम उठाए हैं। जनता कर्फ्यू के दरमियान अपने अपना घरों में रहकर इस संक्रमण को रोकने के लिए भी सहयोग किया है। जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने इस दरमियान कई कदम उठाए हैं, जैसे कि इंटरस्टेट बस सर्विस का बंद करना, संक्रमित पेशेंट के लिए आइसोलेशन वार्ड तैयार करना और उनका चिकित्सा के लिए सभी कदम उठाना, जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका स्क्रीनिंग करना और क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था करना वगैरह वगैरह। हमने इस केंद्र प्रशासित राज्य में 144 का धारा भी लागू किया है और आप सब इसका पालन भी किए हैं, लेकिन अब ऐसे एक घड़ी आई है जिसमें इससे भी ज़्यादा सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। आपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संदेश सुना होगा, हमें भी इस क्षेत्र में कड़े कदम उठाते हुए 21 दिन का लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इसके लिए प्रशासन सुसज्जित है और सभी कदम उठा रही है। इस घड़ी में घबराने की जरूरत नहीं है, आवश्यक सेवाएं और सप्लाईज चालू रहेगा, इसके लिए सभी व्यवस्था किया गया है। सभी आवश्यक चीज वस्तु जैसे कि राशन पानी, सब्जियां, फल फलादि, दूध और मेडिसिन वगैरह उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा हमने स्वास्थ्य सेवा को प्राथमिक देते हुए सभी आयोजन किया है। इसके लिए डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर को भी फंड उपलब्ध किया है। इस फंड से इन सभी प्रशासनिक अधिकारी राशन पानी का बंदोबस्त करना, अन्य सुविधा बंदोबस्त करने के लिए भी इनको सूचना दिया गया है। हमने 2 महीने का राशन उपलब्ध कराने के लिए भी आदेश जारी किया है। मध्याह्न भोजन का वंचित बच्चों के लिए उनके घरों में राशन पहुंचाने के लिए भी व्यवस्था किया है। इसके अलावा अन्य कई कदम उठा रहे हैं। बिजली पानी का व्यवस्था सुनिश्चित रहेगा, इसीलिए आप इसके बारे में चिंतित ना रहें। प्रशासन सभी सुविधा उपलब्ध करने के लिए कोशिश करेगी। अभी आपसे यह अपील है, इस लॉकडाउन के दरमियान में आप इसका अमल खूब सख्ताई से और चुस्तता से पालन करें। इसके लिए आप अपना घर में ही रहें, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और बिना जरूरी बाहर ना निकले। इससे हमें इस संक्रमण का चेन तोड़ने में मदद मिलेगी और इसका प्रकोप से हम बच पाएंगे। इसी घड़ी अभी सभी का, हम सब का जान मान बचाने का ही घड़ी है। अगर हम इसमें बचें तो आगे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए आपसे अपील है कि आप इस लॉकडाउन के दरमियान ये सभी निर्देशों को पालन करें। ऐसे भी देखा गया है, कुछ लोग बाहर से आए हैं, कुछ यात्रियां बाहर से आते हैं और कुछ बच्चे भी बाहर से आए जो अपना ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं या बता नहीं रहे। इससे बल्कि उनका ही नहीं हानि होगी, उसके आसपास के सभी का हानि हो सकता है। और
इसके कारण इस कोरोना वायरस से बचने के लिए जो प्रयास हो रहे वो पूर्णतः सफल नहीं होगा। इसीलिए अनुरोध है ये सब अपना अपना ट्रैवल हिस्ट्री हेल्पलाइन के माध्यम से जानकारी दें ताकि इसका कुछ उपाय किया जा सकता है और इस संक्रमण से हम बच सकते हैं। ये घड़ी है, हम सब इसी संक्रमण को रोकने के लिए इसमें जूझते हैं। सभी मेडिकल स्टाफ, डॉक्टरों, अन्य प्रशासनिक सेवा में जुड़े हुए लोगों, पुलिस कर्मियों, अर्धसैनिक बल वगैरह का आभार व्यक्त करें। इन्होंने अपना जान का परवाह किया बगैर दिन रात इसमें मेहनत करते हैं, इनका भी हम आभार व्यक्त करें। और साथ साथ इन हम सब इस घड़ी में अपना अपना घर में रहें और इस लॉकडाउन का पालन करते हुए इस महामारी को मात देने में सफल हो, इसे आशा रखता हूं। आप सब से फिर अपील करता हूं कि आप पूरा प्रशासन को सहयोग देंगे।